मैं सुचा सिंह, निवासी बेली जट्टा, तहसील फतेहपुर के अधीन मंड क्षेत्र का युवा किसान निवासी हूँ। सो मेरी माननीय सीएम साहब श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन है कि जो हमारी गेहूं की फसल है वो इस समय बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है और ऊपर से मौसम की भी मार पड़ रही है और जो कोरोना वायरस जो महामारी चल रही है उसका खास हमारी फसलों पे असर पड़ रहा है। जो कि हमारी फसलों का मंडीकरण है वो पंजाब में होता था, तो अभी जो बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हमारा हिमाचल प्रदेश का कोई भी मंडीकरण सुविधा नहीं है इधर। से प्रधान रमेश चंद, ब्लॉक फतेहपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जो मेरा इलाका है वो करीब 90% किसान तबका है, जहाँ 10% ही अप्लाई करने जाते हैं। तो जहाँ हमारी जो समस्या है इस समय फसल की कटाई की चल रही है, फसल की जो हमारी फसल होती थी जो पहले सारी हमारे साथ एक पंजाब बाउंड्री है, हमारे जितने भी किसान हैं वो सभी पंजाब में ही मंडीकरण करते थे, लेकिन अब जो महामारी देश में चली हुई है कोरोना के प्रति, उससे हमारी सीमा में जो लॉकडाउन हो गया है तो हमको आने जाने में समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं। कृपा करके हमारी सरकार से, प्रशासन से यही गुहार है कि हमारे जो किसान हैं, जो अनाज यहाँ निकलेगा उसका कोई ना कोई खरीदना का प्रबंध किया जाए। उसके उपरांत जो हमारी फतेहपुर मंडी है उसके कल हमारे जहाँ प्रेजिडेंट आए थे उन्होंने मंड क्षेत्र का दौरा भी किया है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिलाया है कि हमारी सरकार से डिस्कशन चल रही है, इसका कोई ना कोई जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।